कश्मीर घाटी के जिला शोपियां के रामनगरी, जामनगरी और ऋषि नगरी के लोगों ने यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से अपील करते हुए अनुरोध किया है कि यहां बड़ी आबादी है और यहां जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच खोली जाए और साथ ही एटीएम की सुविधा भी दी जाए। उन्हें दूर शोपियां जाना पड़ता है पैसे निकालने और जमा करवाने के लिए। यहां सिपों का बहुत बड़ा व्यापार होता है और रुपए जमा कराने के लिए दूर शोपियां जाना पड़ता है। खतरा हर वक्त बना रहता है। जम्मू संभाग के जिला डोडा के डीसी डॉक्टर सागर डी डाइफोडे द्वारा डोडा में किसान मंडी का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस किसान मंडी का फायदा सब्जी और फलों के किसानों को सीधे तौर पर मिलेगा। ये किसान मंडी डोडा एग्रीकल्चरल कॉम्प्लेक्स में खोली गई है जो किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी। वहीं इस किसान मंडी से सब्जी और फल जम्मू, उधमपुर व अन्य कस्बे शहरों में भेजी जा सकेगी। उन्होंने केंद्र की कृषि मंत्रालय का धन्यवाद किया कि किसान मंडी परियोजना से जिला डोडा के सब्जी और फल किसानों और विक्रेताओं की आमदनी भी बढ़ेगी और यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन भी उपलब्ध होंगे। जम्मू संभाग के कठुआ जिले के राजबाग थाना के अंतर्गत चंगी पंचायत के बनी गांव में जमीन विवाद में जेठ ने विधवा भाभी पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। घायल महिला को जीएमसी रेफर कर दिया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार आज महिला ने खेतों में ट्रैक्टर से जुताई का काम शुरू कराया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। जगबीर सिंह ने तलवार से महिला के सर पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत में दो दो विश्व कप 2021 T20 और 2023 वनडे खेलने से पहले वीजा का लिखित आश्वासन चाहने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को BCCI ने करारा जवाब दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आतंकी हमला न होने की गारंटी देने की बात कही है। BCCI अधिकारियों ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नियम साफ तौर पर कहते हैं कि खेल में कोई सरकारी दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। बोर्ड अधिकारियों ने PCB से पूछा है कि क्या सीमा पार से घुसपैठ नहीं होगा और सीज़फ़ायर का उल्लंघन भी नहीं होगा। इस बात की गारंटी देनी है कि दूसरा पुलवामा हमला नहीं होगा। श्रीनगर शहर में पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा बनाने की तैयारी चल रही है। इस परियोजना को मंजूरी मिल गई है। ये कश्मीर में अपनी तरह का पहला मनोरंजन केंद्र होगा। शहर के बादामी बाग छावनी क्षेत्र में ब्रॉडवे थिएटर के मालिक एवं व्यवसायी विजय धर ने बताया कि पुराने ब्रॉडवे थिएटर की जगह पर निर्माण शुरू कर दिया गया है। 1990 के दशक से शुरुआत में कश्मीर में अलगाववादी हिंसा शुरू हुई थी तो आतंकवादी संगठनों द्वारा दी गई धमकियों के बाद प्रमुख कस्बों के सभी सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे। इस दौरान आतंकियों ने कई सिनेमा हॉल को आग के हवाले कर दिया था, लेकिन अब इसके मालिकों ने लोगों का मनोरंजन करने की परंपरा को जारी रखने के लिए उसी जगह पर मल्टीप्लेक्स का निर्माण करने का फैसला किया है। बंद होने वाले सिनेमा हॉल में रीगल, प्लेडियम, खयाम, फिरदोस, शाह सिनेमा, नीलम, शिराज, खयाम और ब्रॉडवे थिएटर शामिल हैं। अगले महीने शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को सुचारू व सुरक्षित बनाने के लिए उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने संबंधित विभागों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि यात्रा कब शुरू होगी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। सलाहकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दोनों संभागों के उपायुक्त के अलावा अन्य अधिकारियों के साथ यात्रा के लिए अब तक किए गए प्रबंधों की बुधवार को समीक्षा की। खान ने यात्रा से पहले मार्ग की सफाई, रोशनी, पानी, शौचालय, जनरेटर, संचार आदि सभी इंतजामों को पूरा करने की सलाह दी है। दोनों संभागों के आयुक्त से कहा गया है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं का भौतिक रूप से जायजा लें। बिहार में कल आंधी तूफान और बिजली गिरने के कारण 83 लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने दी। गोपालगंज में 13, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, बेतिया और पश्चिम चंपारण में 2-2 लोगों की, पूर्णिया और बांका में 1-1 की मौत हुई है।
इस घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जान गंवाने वाले सभी 83 लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे देने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त में जासूसी के गहरे बिल बने हैं। वहां बैठे जासूस केवल सैन्य प्रतिष्ठानों से जुड़ी सूचना ही नहीं जुटाते, बल्कि बॉर्डर एरिया, बटालियनों की मूवमेंट, ट्रेनिंग सेंटर, केंद्र अर्धसैनिक बलों में होने वाले नए कोर्स, कोस्ट गार्ड और एनएसजी की जानकारी हासिल कर रहे हैं। अब ऐसे कई जासूसों उर्फ आईएसआई एजेंट के चेहरों से नकाब उतरने जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आईबी और रॉ जैसी एजेंसियां इस ऑपरेशन में लगी हैं। इस बाबत जुलाई में एक बड़ा खुलासा हो सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के चलते बनी सैन्य तनाव की स्थिति को लेकर देश में चीन के राजदूत सुन वाईलांग ने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्ष सैन्य तनाव की स्थिति को और जटिल बनाने से बचेंगे। सुन ने कहा, आपसी सम्मान और समर्थन निश्चित तौर पर दोनों देशों के हित में है, दोनों को इसी अनुरूप काम करना चाहिए। चीनी राजदूत ने कहा कि आशंका और टकराव गलत रास्ता है, दोनों देशों के बीच टकराव दोनों ओर से लोगों की आकांक्षाओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए चीन तैयार है।